नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चाय। तो अभी देख लेते हैं अभी कि चाय कैसे बनता है, कितना जल्दी में बनता है। तो मैं ग्रीन टी पीता हूँ, मतलब लिकर टी पीता हूँ। तो मैं लिकर टी बनाने वाला हूँ ग्रीन शेप का केटल से, 1.8 लीटर का जो केटल है। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर जाके देख सकते हो। और आज आप लोग देखने वाले हैं कि इसमें चाय कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो भी कोई यूज़ करेगा वो तो चाय तो डेफिनेटली बनाएगा। तो चाय बनाना सीख लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले डालने वाले हैं हम लोग पानी। तो इसमें डाल लिया है पानी, अभी देने वाले हैं इसमें चाय पत्ती। तो मैंने अभी चाय पत्ती ले लिया है, तो इसके में भी डाल देते हैं। तो मैं स्विच ऑन कर देता हूँ और इसको ऑन कर देते हैं। तो अभी इसको कर देते हैं ऑन। मैं थोड़ा हाई स्पीड में पहले के लिए करते रहा हूँ, जब थोड़ा बहुत बॉयल होने लगेगा तब मैं इसको थोड़ा कम कर दूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके स्टीम आने लगा है। हम इसको लीड को थोड़ा खोल देते हैं ताकि हम लोग थोड़ा बेटर वे में देख पाए। देख पा रहे हो इस एरिया में थोड़ा बहुत करके स्टीम आ रहा है। तो अब इसमें थोड़ा बहुत करके साउंड आने लगा है और ये थोड़ा थोड़ा करके बॉयल होने भी लगा है। वैसे मैं चाय बना रहा हूँ जो ये ग्रीन टी है, ग्रीन टी या फ्लेवर टी अगर बनाना होगा तो आप लोग ऐसे बना सकते हो, नहीं तो जो गोली वाला जो चाय होता है, जो राउंड कलर राउंड राउंड होता है, उससे भी आप बना सकते हो इजीली। उसमें तो वैसे उतनी दिक्कत भी नहीं होगा। आप पहले जैसे पानी डालना है, जैसे मैंने पानी डाला वैसे पानी डालना, उसके बाद वो चाय का जो वो है वो डाल देना, और उसके बाद आप थोड़ा ऐसे ही सेम वे में बॉयल करना। बॉयल करके बस उसको छाँक लेना होगा, यही सेम प्रोसेस होगा। बस इसमें थोड़ा बहुत हमको स्टीम, मतलब वो जब बॉयल होने लगेगा तब उस टाइम पे रख के हम लोगों को थोड़ा ये ढक्कन देख के रख देना होगा बंद करके, और उसमें आपको थोड़ा बॉयल करना होगा। बॉयल करने के बाद फिर आप लोगों को पीना होगा। वैसे बाकी जो जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अभी कलर बहुत आने लगा है। चाय का कलर बहुत अच्छे से आ गया है और ये लगभग अभी बॉयल होने लगा है। तो अभी जो करेंगे इसको भी ढक्कन को लगा देते हैं और थोड़ा देर 10-15 सेकंड रखेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो
पहले कर देते हैं इसको बंद। देखिए लाल लाइट बंद हो गया और अभी स्विच को भी ऑफ कर देते हैं। तो अभी वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि ग्रीन टी बनाने के लिए ये जो अब ढक्कन देने के बाद 2-3 मिनट वेट करेंगे वो सबसे बढ़िया क्वालिटी और फ्लेवर को लाता है। तो अभी कर लेते वेट, उसके बाद इसको छाप लेंगे। तो मेरा चाय हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। आप लोग देख पा रहे हो कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। तो अभी जो करने वाले हैं, चाय को एक एक करके सब कप में डालने वाले हैं। मैंने 2 कप में चीनी डाल लिया और 2 कप में हनी डाल लिया। वैसे ये हम लोग का घर वाला कप है, तो कुछ उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिएगा कि कैसा कैसा है। देखो भाई, मेरा जो सेटअप होता है वो एकदम होमली सेटअप होता है। कितना अच्छे से पकड़ सकते हैं देखिए, इसलिए मेरा को ये केटल बहुत अच्छा लगा। देखिए आराम से मैं पकड़ लिया, आराम से डाल लिया। अब ये 4 नंबर कप में तो थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, इसमें डाल देते हैं। और इस दोनों में थोड़ा थोड़ा करके और डाल देते हैं। अभी रेडी हो गया है। अगर ये दोनों को देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है। तो ये था हाउ टू मेक टी विथ ग्रीन शेफ का केटल, 1.8 लीटर केटल। आप लोग भी ट्राई कीजिए। कोई भी जो रेसिपी, आप कौन कौन सा रेसिपी आप इसमें ट्राई किए हो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा वीडियोस भी आते रहेगा। मैं इस वीडियो को 2-3 रेसिपी डाल के लंबा नहीं करूँगा, इसको करते ही यहाँ पे ख़त्म। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इसका जो आपका अनबॉक्सिंग वाला जो वीडियो है उसका आपको रेसिपी मिल जाएगा। और इसके साथ मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगला वीडियो में।